हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक। यस मैम, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज व्हिच इज बिलोंग्स टू अवर 9th चैप्टर ऑफ अवर एनसीईआरटी बुक। यस, एंड इन दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस ऑलमोस्ट कंप्लीट topics. Yes, and today we discuss about some special series. Yes, like some special series. And in this topic, first of all, we should learn some conditions, like if we add 1 in itself up to n times, then we get n, and 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 up to n times, we can represent this by summation 1. Okay, similarly, if we want to find summation n means sum of n natural numbers, means 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n terms or up to n, then we get n plus 1 by 2. But ये जो condition है, हमने AP में previous video lectures में calculate भी की थी। ये AP हमारे पास है, यहाँ first term 1 है, common difference भी 1 है, और n हमारे पास n है। तो जैसे हम लोग sum of n terms वाले formula में value put करेंगे, तो हमारे पास ये कंडीशन इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। सिमिलरली वी हैव टू लर्न समेशन ऑफ n स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। इट इज इक्वल टू n प्लस 1 इनटू इन ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 6। बेटा ये सारी कंडीशन हमारे पास, इसका जो सॉल्यूशन है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो बुक में दे रखा है। हमें डायरेक्टली इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है इन स्पेशल सीरीज कंडीशंस में, और सिंपल हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली वी हैव टू लर्न एन क्यूब। समेशन ऑफ एन क्यूब मींस सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मींस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, इट इज इक्वल टू n n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 कंडीशंस हैं, इनको हमारे को लर्न रखना है, और इनकी हेल्प से हम लोग सम स्पेशल सीरीज का सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक सम स्पेशल सीरीज। दिस टॉपिक बिलोंग्स टू अवर 9.4 एक्सरसाइज ऑफ अवर एनसीईआरटी बुक। ओके, उसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको इजीली आप सॉल्व कर लेंगे अगर आपको ये कंडीशंस लर्न होगी तो। और कॉन्सेप्ट मैं भी आपको इसका समझा देता हूं। सो फॉर द पैटर्न ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस सम स्पेशल सीरीज, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज। क्वेश्चन में हमारे पास यही मेंशन होगा। अब हमारे को देखो स्पेशल सीरीज दे रखा है 1, अब यहां पे एक डॉट लगा रखा है 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4। तो बेटा समझ लेंगे, इफ आई मेंशन हियर 3 अदर डॉट 5, यहां डॉट मिड पे है, सो इट इज अ डेसिमल, इट इज सिंबल ऑफ अ डेसिमल, ये डेसिमल है हमारे पास। लेकिन इफ आई मेंशन हियर 3.5, अब ये डॉट जो है बेस में है, इट इज नॉट अ डेसिमल, इट इज मल्टीप्लिकेशन सिंबल, मींस 3 × 5, इट इज 3 × 5 बट इट इज 3.5। ओके, तो यहां हमारे पास जो है ये मल्टीप्लिकेशन सिंबल है डॉट
सो 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे को n टर्म्स का सम इसका कैलकुलेट करना है। फॉर दैट अब सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसका tn मतलब लास्ट टर्म जो है हमारे पास यहां पर ये वाली, ये हमारे को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो tn कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेंगे कि इस सीक्वेंस और इस सीरीज में देखो मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ टू सीरीज, यहां देखो फर्स्ट फर्स्ट टर्म और सेकंड सेकंड टर्म हमारे को सेपरेट सेपरेट लेनी है पहले। तो मैंने क्या किया देखो यहां पे लिख दिया, लेट tn बी द nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज। अब ये tn जो है कि यहां हमारे पास इस सीरीज में दो सीरीज का प्रोडक्ट है, तो मैंने क्या किया फर्स्ट फर्स्ट टर्म को एक सीरीज सपोज कर लिया और सेकंड सेकंड टर्म को अनदर सीरीज सपोज कर लिया, और उन दोनों प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे पास ये सीरीज में गिवन है। तो मैंने ऐसे मेंशन किया tn ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ईच टर्म एंड मल्टीप्लाई बाय nth टर्म ऑफ सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय सेकेंड सेकेंड एलिमेंट्स और नंबर्स ऑफ दिस सीरीज। ये मैंने यहां पे मेंशन कर लिया, तो मैंने यहां पे डिजिट वर्ड यूज लिया है, फर्स्ट 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 डिजिट का एक सीरीज बन जाएगी और सेकेंड सेकेंड जो डिजिट है उसकी एक सीरीज बन जाएगी। मैंने ऐसे बना लिया भाई, देखना जरा इधर, ये तो बनेगा हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट डिजिट। तो भैया फर्स्ट फर्स्ट जो डिजिट है हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है इसमें, इधर आ रही हमारे पास 1, 2, 3, 4 अप टू n टर्म्स। तो इसका अगर हमारे को tn मतलब nth टर्म कैलकुलेट करनी हो तो फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ देखिए a क्या होगा हमारे पास 1 हो जाएगा प्लस n एज इट इज है और d क्या हमारे पास 1, सो 1 प्लस n माइनस 1 सो n। तो फर्स्ट जो हमारे पास ये सीरीज जो चल रही है इसका nth टर्म क्या होगा, n होगा। सिमिलरली अगर हम लोग इस a की जगह नेक्स्ट सीरीज के लिए 2 पुट कर देते हैं, बाकी कॉमन डिफरेंस सेम है, नंबर ऑफ टर्म्स भी सेम है, तो हमारे पास जो दूसरा कंडीशन आ जाएगी वो क्या जाएगी 2 प्लस n माइनस 1 मींस n प्लस 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है ये दो सीरीज चल रही है, प्रोडक्ट ऑफ टू सीरीज है, फर्स्ट सीरीज का nth टर्म क्या हुआ हमारे पास n आया और सेकंड सीरीज का nth टर्म क्या हुआ हमारे पास n प्लस 1 आया। तो इस सीरीज का जो है nth टर्म वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज nth टर्म्स मींस n इंटू n प्लस 1। मैंने देखो यही पे यही मेंशन कर लिया, सो tn इज इक्वल टू वी गेट n इंटू n प्लस 1। अब इनको मैं ब्रैकेट सॉल्व कर सकता हूं, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया भाई, तो tn इज इक्वल कितना हो गया n स्क्वायर प्लस 1। हमें कैलकुलेट करना है sn, और sn जो होता है वी ऑल नो दैट sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ tn। देखो ये लिखा मैंने, वी नो दैट sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ tn। व्हाट इज tn, tn इज n स्क्वायर प्लस n, मींस समेशन ऑफ tn इज रिप्रेजेंट बाय समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n फॉर दिस कंडीशन। इज दैट क्लियर बेटा, यहां तक अपने को समझ में आ जाएगा। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए हमें चाहिए sn, sn और sn हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन n स्क्वायर फ्रॉम दिस, समेशन ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मींस n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस व्हाट इज समेशन n, समेशन n मींस इट इज इक्वल टू दिस n n प्लस 1 अपॉन 2। कैन वी टेक कॉमन सम टर्म्स और सम वैल्यूज फ्रॉम दीज टर्म्स, यस n n प्लस 1 बाय 2 वी आर टेकिंग कॉमन, देन वी गेट हियर
2n plus 1 upon 3 plus here 1 upon 1. Can we take LCM? 3. 2n plus 1 plus 3. Here n plus 1 by 2. Now, can we solve it? It is 2n plus 4. But 2n plus 4 means 2 common as well. यहाँ क्या बचेगा हमारे पास ओनली n plus 2 तो हमारा आंसर आ जाएगा n plus 1 n plus 2 upon जो 2 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा सो वी हैव ओनली 3 यस बेटा सो वी कैन से आई मीन टू से द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस गिवन सीरीज इज इक्वल टू n plus 1 इनटू n plus 2 upon 3 Is that clear बेटा? तो बेटा ऐसे क्वेश्चन हम लोग जो है 9.4 में सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करेंगे कैन यू कैलकुलेट और प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओके नाउ आई एम टेकिंग वन अनदर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस यस बेटा आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज हूज nth term is n square plus 2n बेटा ये क्वेश्चन हमारे पास 9.4 एक्सरसाइज में गिवन है अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास सीरीज गिवन थी तो हमने पहले उसका nth term कैलकुलेट किया एंड आफ्टर दैट हमने उसका सम कैलकुलेट किया इस क्वेश्चन में हमारे को पहले से ही nth term गिवन है लाइक दिस अब हमारा केवल सिंपल से क्या करना है इसका एस एन कैलकुलेट करना है सम कैलकुलेट करना है सो वी हैव टी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस टू एन तो अब इसका हमारा क्या करना है समीशन अप्लाई करना है वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू समीशन ऑफ टी एन व्हाट इज टी एन एन स्क्वायर प्लस टू एन सो समीशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ टू एन अब देखो ये तो हमारे को मालूम है अभी हमने जो है डिस्कस किया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन एन स्क्वायर ये हमने वैल्यू पुट कर दी लेकिन व्हाट इज दिस अब यहां हमारे को एन की वैल्यू पुट करनी है 1 2 3 4 अप टू एन टाइम्स तो हमारे पास कंडीशन बनेगी वन हमारे पास कंडीशन बनेगी 2^1 2^2 2^3 2^4 अप टू 2^n तो ये हमारे पास कैसी बन गई इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो ये जीपी बन गई ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला था सो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी देन हियर वी ऑल नो दैट फॉर्मूला ऑफ जीपी फॉर एस एन इज ए आर स्क्वायर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इफ आर इज ग्रेटर देन वन यहां आर क्यू ग्रेटर देन वन है टू आर ही ए इज इक्वल टू हमारे पास टू है इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी सिंपल से सॉल्व कर लेंगे आप लोग सो एंसर ऑफ दिस मींस सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज एन एन प्लस वन इन टू एन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस टू इन ब्रैकेट 2^n-1 इज दैट क्लियर बेटा बेटा ऐसा सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हमारे पास 9.4 में भी गिवन है एग्जाम्पल्स भी हैं सो यू शुड प्रैक्टिस यू शुड ट्राई सम अदर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक ओके सम स्पेशल सीरीज सो यू शुड ट्राई ओके देन ओके थैंक यू बेस्ट ऑफ लक